What's up, Danixers? Welcome to Danix, and this is Danish Extreme, the one and only most daring channel on this beautiful planet Earth. So guys, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ. वो खुशखबरी क्या है? वो ये है कि शादियों की लहर दौड़ चुकी है और हम लोगों के एक चहीते, एक ऐसा इंसान जो हम लोगों को हमेशा हम लोगों को उनसे गालियाँ ही सुनने को मिली है, उस इंसान की शादी हो रही है. वो कौन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ में आने वाले इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें. एनीवेज गाइस, बैक टू द टॉपिक. टॉपिक एग्जैक्टली ये है कि हम लोगों के महान कलाकार, उनकी हो रही है शादी. वो शादी किसकी हो रही है? नन अदर देन रघु की. यस, रघु की हो रही है शादी. रघु कौन है सबको पता है भाई. इनको देखने के बाद ही आप लोगों को यकीन हो जाता है कि यही वो बंदा है जिसने हम लोगों को भर भर के गालियाँ निकाली है. नॉट एग्जैक्टली हम लोगों को, उन लोगों को जिन लोगों ने उनके शो रोडीज में पार्टिसिपेट किया है. ये उन लोगों की क्लास लगाने के लिए ही पैदा हुए हैं. अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इनकी शादी किनसे हो रही है. इनकी शादी हो रही है इनकी गर्लफ्रेंड से, जो कि इंडियन नहीं है, वो है फॉरेनर, जिनका नाम है नैटली डी क्रूसियो. यस, उनका नाम नैटली है और नैटली के साथ इनकी शादी हो रही है. पक्की क्या, इनकी शादी होने ही वाली है कुछ ही दिनों के अंदर. वो शादी कहाँ पर होगी? वो शादी होने वाली है, वेन्यू डिसाइडेड है. ये लोग हमेशा की तरह ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर ही शादी करेंगे, जैसे कि हमारे प्रियंका चोपड़ा और जैसे कि हमारे दीपिका पादुकोण ने की है. बट नहीं, रघु बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं. देखिए, डाउन टू अर्थ बोल सकते हैं या फिर पैसा बचाने की तरीका है ये. मुझे लगता है कि रघु शादी कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं वो बता देता हूँ. वो कर रहे हैं गोवा में. शादी का वेन्यू गोवा है. आप लोग भी जा सकते हैं वहाँ पर और देख सकते हैं रघु की शादी. बट एक चीज़ याद रखें, अगर आप वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अगर चल रहा हो पर्सनल इंटरव्यू राउंड, तो आपको पड़ सकती है गालियाँ. क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर भी गेस्ट का सिलेक्शन वो लोग करेंगे जैसे रोडीज़ में ही करते थे. ठीक है, गालियाँ तो वो भर भर के निकालते हैं, आपको पता ही क्या है. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं रघु से, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ रघु को. और जब से ये आउट हुए रोडीज से, तो मुझे हो गई है रोडीज से नफरत. वो क्यों हुई है, ये तो मेरा पर्सनल रीज़न है. प्लस मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी निकाल रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि क्यों मुझे रोडीज पसंद नहीं है. ठीक है, तो अब रघु, एक ऐसा इंसान जो बहुत दिन तक हमारी नज़रों से गायब था, उस इंसान ने अचानक से बाहर निकला है जैसे बरसात का कोई मेंढक हो, और उन्होंने हम लोगों को एक चौंकाने वाली न्यूज़ दे दी है. वो न्यूज़ ये है कि वो कर रहे हैं शादी. भाई मुझे पता नहीं क्यों शादी कर रहे हैं आप, अगर कर रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो. और आपके जो भाई हैं राजीव, उनका क्या हाल है, उन्हें भी मेरा हाय कह देना, क्योंकि मैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मेरे भाई. बट मैं आपकी शादी में आऊँगा. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी शादी में आने वाला हूँ, बिकॉज़ मेरे पास आपका इनविटेशन पहुँच चुका है. एनीवेज, मैं यही बताने वाला था कि इन दोनों की शादी हो रही है, और नैटली के जो रिश्तेदार हैं ये भी फॉरेन कंट्री से वापस हमारी कंट्री में आ चुके हैं इनकी शादी में शरीक होने के लिए. बट इनके अंदर एक कीड़ा है. ठीक है, नैटली के अंदर में भी एक कीड़ा है और रघु के अंदर में भी एक कीड़ा है. वो कीड़ा क्या है पता है? वो कीड़ा है टीवी में आने का. ठीक है, और बहुत ही क्रिएटिव कुछ काम करने का. तो वो क्रिएटिव काम क्या है? वो क्रिएटिव काम ये है कि नैटली एंड रघु ने डिसाइड किया है कि उनकी शादी एक नए तरीके से होगी. वो नया तरीका क्या, ये सुन के आप रह जाएंगे भौचक्के. अब मैं ये नहीं बोलूँगी इनकी शादी में टास्क होने वाले हैं. एनीवेज, मैं ये बोलने वाला हूँ कि इनकी शादी इन लोगों ने डिसाइड करा है कि या तो इनकी शादी होगी एक वेब सीरीज की तरह. ठीक है, वेब सीरीज समझते हैं. वेब सीरीज मतलब इंटरनेट पर एपिसोड्स आएंगे इनकी शादी के, कि अभी ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं वो एपिसोड कहाँ तक का जाएंगे. समझ रहे हैं ना, किस मतलब रसम तक जाएंगे. और आप अगर समझ रहे हैं मैं किस रसम से बात कर रहा हूँ और किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें. और मुझे लगता है वो वेब सीरीज़ पूरे उनकी शादी को पूरा कवर करेगी. ये एक हो सकता है. और सेकेंडली एक चीज़ हो सकती है कि रघु की शादी एक शो की तरह किसी चैनल पर ही दिखाई जाए, जैसे रोडी समझ लीजिए, डेट टू डेट समझ लीजिए. इस टाइप के बहुत सारे शोज़ आते हैं एमटीवी वालों को, तो मौका चाहिए. तो हो सकता है कि रघु की शादी भी सार्वजनिक तरीके से दिखाई जाए. सो यही मैं आप लोगों को खबर देना चाहता था कि इस ऐसा इंसान जिससे हम लोग नफरत करते हैं काइंड ऑफ, और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं. नफरत उन लोगों से, वो लोग उनसे करते हैं जिन लोगों को उनकी गालियाँ पड़ चुकी हैं, और हम लोग उनसे प्यार करते हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें किसी और को गालियाँ देखा है, गाली देते हुए देखा है. और पता ही है ना, दूसरे की लगती है तो अपनी तो हंसती है. यही एनीवेज गाइस, यही न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता था. तब तक के लिए देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको सब्सक्राइब बटन को जाके क्लिक कर दें. उसके बाद आने वाले इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें. और इसको क्लिक करने से क्या होगा पता है? जैसे इसको क्लिक करेंगे, सीधा आपको रघु की शादी का इनविटेशन आ जाएगा.
ठीक है, क्लिक करके देख लिया, नहीं आया ना, हाँ तो कुछ कुछ आप जोक भी समझा करिए, ठीक है। एनीवेज दिस इज इट, मेरे चैनल को ऐसे प्यार करते रहें, कीप लविंग डैनिक्स्ट, कीप वॉचिंग दानिश एक्सट्रीम, एंड तब तक के लिए कीप लविंग मी रघु राजीव रोडीज बाकी के सारे ताम झाम, एंड चाओ।